नमस्कार दोस्तों, कैसे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी 2 महीने पहले एक बाइक लिया है, तो अभी आप देखेंगे तो लगभग मैंने इस बाइक को बिल्कुल नया ब्रांड बाइक लिया है और 533 किलोमीटर लगभग मैंने चला लिया है इसको। अब 533 किलोमीटर चला लेने के बाद अब यहाँ पर ये पाना आपको दिखाई दे रहा होगा, पाना का एक निशान बार बार अप डाउन जैसा हेड हो रहा है और शो हो रहा है। तो ये पाना का निशान हो सकता सबको पता भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाना का जो निशान आ रहा है वो क्यों आ रहा है और कब आता है। तो दोस्तों, जब हम नया बाइक लेते हैं तो बाइक का एक सर्विसिंग का लिमिट होता है कि जब आप कितना किलोमीटर चला लेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सर्विसिंग के लिए आपको एक रिमाइंड कर देगा। तो उसी का ये पाना बता रहा है कि आपका बाइक अभी ये सर्विसिंग मांग रहा है और इसको आप सर्विसिंग करवा ले जाके। तो दोस्तों, ये 520 किलोमीटर चलने के बाद ये पाना का निशान आपको बताना चालू कर देता है और तब आप इसको सर्विस के लिए ले जा सकते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरा स्प्लेंडर प्लस इस्टेक न्यू मॉडल है, इस ये है बाइक जो डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। और ये पाना का निशान सिर्फ इसी में बता रहा है, सब बाइक में नहीं आता है। तो दोस्तों, इसको भी सर्विसिंग के लिए ले जाने के लिए ये बार बार बता रहा है। और ये जैसे ही आप इसकी फर्स्ट सर्विसिंग करवा लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट सर्विसिंग का जो लिमिट है वो पूरा हो जाएगा, तब ये फिर से दिखाना चालू कर देगा। लेकिन जैसे जब तक आप इसको सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो ये पाना का जो आइकन है आपको बताता रहेगा। लेकिन इसका जो यहाँ पर मोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल से इस पाने का आइकन को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये पाना का आइकन बाइक में दिखाना चालू कर दे तो उसके बाद आप इसको सर्विस सेंटर में ले जाए बाइक को और सर्विस ज़रूर करवा ले, क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, धन्यवाद। और दोस्तों, जब मैं इसको पहली सर्विसिंग करवा के लाता हूँ इस बाइक का, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या क्या सर्विस हुई है और क्या चेंज हुआ है, चार्ज वगैरह क्या ले रहे हैं, इस सब के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।